सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज को, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे फ्यूचर अपडेट्स। हेलो यूट्यूब, वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने ही चैनल दी हेल्थी रिव्यूज पे। और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सैनोफी कंपनी का मल्टीविटामिन, जिसका नाम है मल्टीवाइट FM ओमेगा। सो गाइस, मार्केट में आपने मल्टीविटामिन बहुत देखे होंगे, बट ये मल्टीविटामिन दूसरों से बिल्कुल अलग है, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्लस इट कंटेन्स ओमेगा फिश ऑयल, ओमेगा 3 जिसे हम बोलते हैं। गाइज, मल्टीविटामिन के साथ साथ और भी बेनिफिट्स हैं, बताता हूँ आपको इसका कंप्लीट रिव्यू, क्या है प्रोडक्ट, किस रेंज में आता है, क्या इसकी खासियत है और क्यों ये हमें लेना चाहिए, किन लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए, कौन लोग इस किस एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मल्टीविटामिन को लेके। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, कौन लोग मल्टीविटामिन टेबलेट्स ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते और ये प्रोडक्ट कैसा है सैनोफी कंपनी का। जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दो, देता हूँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बने रहे मेरे साथ वीडियो। फैटी एसिड्स कैप्सूल। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है इसकी खासियत ये है, जैसे कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मल्टीविटामिन जो भी लोग लेना चाहते हैं इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई अगर जिम करने वाला है तो वही इसे ले, अगर आप नॉर्मल हैं नो जिम रूटीन फॉलो करते हैं तो आप इसे तब भी ले सकते हैं। 18 ईयर्स से अबव कोई भी मेल फीमेल मल्टीविटामिन ले सकता है। अब बताना चाहूँगा, मल्टीविटामिन अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले ज़रूर देखें कि मल्टीविटामिन एंड मल्टी वो कैप्सूल जो भी आप ले रहे हैं मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होनी चाहिए, जैसे कि ये है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिन की नीड होती है। आजकल के भाग दौड़ भरी लाइफ में हम अपनी बॉडी को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ देम हम इन्हें सप्लीमेंट से लेते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 18 ईयर्स अबव कोई भी इसे ले सकता है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जो कि सैनोफी कंपनी का है। ये तो हो गई बात मल्टीविटामिन किसे लेना चाहिए, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो गाइज, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है अदर मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स टेबलेट से, बिकॉज इसके अंदर मल्टीविटामिन मिनरल्स के साथ साथ फिश ऑयल भी है, ओमेगा 3 विच इज़ गुड फैटी एसिड विच मेक्स आर हार्ट हेल्थी एंड ब्रेन हेल्थी। तो गाइज, ये छोटी सी बहुत बॉटल है, मैं चेक करा देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं। ई सर्विंग है इसकी गाइज 0.395 ग्राम का सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। इसके अंदर हम पहले मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स है इसके अंदर कैल्शियम है, जिंक है 10 mg, कैल्शियम है 10.31 mg, जिंक है 10 mg, फॉस्फोरस है इसके अंदर 7.97 mg, मैग्नीशियम है इसमें 90.47 mcg, कॉपर है 25.45 mcg, आयोडाइन है, मैंगनीज है 3.25 mcg। इसके अंदर वाइटामिन्स है, निकोटिनामाइड है 16 mg, वाइटामिन B6 1 mg, फॉलिक एसिड 100 mcg, वाइटामिन D3 200 IU इंटरनेशनल जिसे बोलते हैं, वाइटामिन B12 है इसके अंदर 1 mcg। अदर्स इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 15 mg, एंड इसके अंदर एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी है मिक्स कार्टिनोइड्स 30% डिस्पर्जन 5 mg। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें अलग हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा, इसमें दो चीज़ें अलग हैं। पहला है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश ऑयल होता है, एंड सेकेंड इसमें है कार्टिनोइड्स। गाइज, अब बात करते हैं पहले ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 एक गुड सोर्स ऑफ फैट है, गुड फैटी एसिड है जो कि हमारे हार्ट को और हमारे ब्रेन को हेल्थी बनाता है, बोन्स को भी हेल्थी बनाता है। ओमेगा 3 किन किन चीज़ों में मिलता है? ओमेगा 3 की गाइज, वैसे तो मेन सोर्स इसका फिश ऑयल होता है जो कि नॉनवेज होता है। थिंग इज, जो कि लोग नॉनवेज नहीं है, वेजिटेरियन है, उनके लिए ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी भी बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। दूसरा है वॉलनट्स हर कोई जानता है, अखरोट जिसे बोलते हैं। तो गाइज, बताना चाहूँगा ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बिकॉज इट कंटेंस फिश ऑयल, इस पर आपको ये रेड मार्क दिख जाएगा। तो जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इसे ना लें, वेजिटेरियन वाले दूसरे अदर मल्टीविटामिन मिनरल्स ले सकते हैं। आई बटन पे एक वीडियो दिख रही है, मैंने थोड़े टाइम पहले ही एक मल्टीविटामिन मिनरल्स पे वीडियो बनाई है,
जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इसे ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हो, मल्टीविटामिंस के रिगार्डिंग मेरी वीडियो है, उन्हें यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट की अब बात कर लेते हैं, इसके कैप्सूल्स कितने हैं, इसकी डोजेज क्या है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं 30 सॉफ्ट जेल हैं। अगर आप 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में हैं, आप इसकी वन टैबलेट लें इन दी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। मल्टीविटामिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जो लोग कहते हैं इनके साइड इफेक्ट्स हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ फाइंड आउट एंड रीड मोर अबाउट देम। गाइज, ये 100% सेफ होते हैं और ये मेडिसिन केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएंगे, और इसके अंदर कोई भी मतलब फेक प्रोडक्ट नहीं आ सकते। सप्लीमेंट ब्रांड के फेक आ सकते हैं, इनके फेक नहीं आ सकते, बिकॉज ये गवर्नमेंट वेरीफाइड कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं ऑल ओवर इंडिया। सैनोफी वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, पुरानी कंपनी। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। इसके अंदर 30 कैप्सूल्स आते हैं, सॉफ्ट जेल्स कैप्सूल हैं, जिनके प्राइस हैं 80 रुपीज़ तक इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। 80 रुपीज़ के 30 आते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आपको एक बार इसके यहाँ दिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी इसकी टैबलेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे, छोटी छोटी टैबलेट हैं ब्राउन कलर की। मैं तो इन्हें गाइस काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अदर्स मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स भी हैं, तो आप कोई भी चाहे ले सकते हैं। ये नॉन वेजिटेरियन है, प्रोडक्ट ओमेगा 3 कंटेन करता है। अब आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बिकॉज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स के रिगार्डिंग, तो ये प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। 89 रुपीज़ में 30 कैप्सूल, जिसके अंदर आपको मल्टीविटामिन, मिनरल्स, फिश ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं जो कि कार्टिनॉइड्स होते हैं। अब बात गाइस बताना चाहूँगा, कोई भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेल फीमेल कोई भी इसे ले सकते हैं। इफ़ समवन इज़ प्रेग्नेंट, आई रिक्वेस्ट देम टू कंसल्ट इट फ्रॉम देयर डॉक्टर। और जो भी लोग इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, आप इसे 1 mg से या किसी भी नियर बाई केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। अच्छी छोटी सी बॉटल में आता है, काफ़ी हेल्थी है हमारे ऑर्गन्स के लिए। गाइज, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Take care.